आरएसएस के शताब्दी वर्ष में उसके वैचारिक और व्यवस्थागत विस्तार की कड़ी को और मजबूत करने के लिए संघ के अहम चेहरे जुटे हुए हैं। इस कवायद को आगे बढ़ाते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत भी 18 से 22 जुलाई तक पूर्वांचल में संपर्क और संवाद की श्रृंखला से जुड़ेंगे। 5 दिनों में भागवत प्रमुख संतों, धर्माचार्यों, मंदिर प्रमुखों के शरण में रहेंगे, उनकी अपेक्षाएं समझेंगे और संघ के अभियानों से अवगत करवाएंगे। यूपी का सामाजिक और राजनीतिक परिवेश में इस समय धर्म और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मुद्दा मुखर है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम अंतिम चरण में है और जनवरी में मंदिर के उद्घाटन की तारीख भी तय कर दी गई है। इस पृष्ठभूमि में संघ प्रमुख का धर्माचार्यों का संवाद बेहद अहम माना जा रहा है। राम मंदिर संघ का कोर एजेंडा भी रहा है और उसकी वैचारिकी की जमीन पर खड़ा भाजपा के राजनीतिक उदय का आधार भी रहा है। 2024 के चुनाव में भी यह उपलब्धि मंचों से मुखर रहेगी। भागवत 18 जुलाई को काशी पहुंचेंगे, 19 जुलाई को वह गाजीपुर के जखनिया में हथियाराम मठ जाएंगे। यहां के महामंडलेश्वर भवानी नंदन यति जी से उनकी मुलाकात होगी। 20 जुलाई को मिर्जापुर के चुनार में स्वामी अर्गणानंद के आश्रम में जाकर उनसे आशीर्वाद लेंगे। 21 जुलाई को संघ प्रमुख देवरहा बाबा के आश्रम में देवरहा हंस बाबा का सानिध्य प्राप्त करेंगे। वहीं 22 जुलाई को भागवत काशी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में मंदिरों के व्यवस्थापकों, मुख्य कार्यपालक अधिकारियों संग बैठक करेंगे। पूर्वी क्षेत्र के कार्यों की समीक्षा और आगामी योजनाओं को लेकर बैठकों का क्रम जारी है। बुधवार को सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले और सह सरकार्यवाह कृष्ण गोपाल ने विभाग प्रचारकों के साथ बैठक की। इस दौरान शताब्दी वर्ष के लिए तय अभियानों की रूपरेखा पर चर्चा हुई।